हे व्हाट इज़ अप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और जैसा मैं आपको कल बता रहा था कि मुझे कोविड टेस्ट के लिए जाना है, नहीं जा पाया मैं। क्यों नहीं जा पाया? कि गली हमारी सील हो गई है, सीज़ कर दी, ब्लॉक कर दिया है। किसी को भी बाहर जाना या बाहर से अंदर आना कुछ भी अलाउड नहीं है। फॉर द सेफ्टी पर्पस, हेल्थ पर्पस से ही ये सब किया है। इशू क्या था कि अंकल की रिपोर्ट नेगेटिव है, पर फिर भी क्यों किया? एक रिपोर्ट पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, उसकी मैं आपको वीडियो में पूरा बताऊंगा, एक डिटेल वीडियो बताऊंगा। पर आज जो टॉपिक ये है कि कल ही उन्होंने सीज कर दी। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कुछ ऐसा किया है कि जो एंट्री है ना, जहाँ से एंट्री करते हैं, वो बंद कर दिया है। ये हमारी गली का एंट्री पॉइंट है, जहाँ पर ये बैरिकेशन लगी हुई है, और यहाँ से ये पूरी गली है एंड तक, वहाँ तक अंदर, मतलब कोई आगे तक नहीं जाती, वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। सो ये पूरी गली है और यहाँ बैरिकेशन लगा हुआ है। इस घर में वो रहते हैं, ऊपर यहाँ पे रेंट पे रहते हैं, हमारा ही घर है, कॉमन बैठक है, पर नीचे कोई नहीं रहता, वो ऊपर अलग रहते हैं। और अब बोल दिया है कि 14 डेज तक बंद रहना है। अब बंद रहना वो तो ठीक है, चलो यार रह लेते हैं, पर अब 14 डेज कैसे टाइम कटे पता चलेगा यार। अब कल सबका उन्होंने बोला है, कल से शायद, कल या परसों शायद सब पूरी गली वालों का टेस्ट होगा कोविड का, और वो अच्छी बात है। क्या पता यार कोई दिक्कत हो जाए, उससे अच्छा है कि टेस्ट होना ज़्यादा ज़रूरी। अब लोगों के रिएक्शन क्या है इस चीज़ पे? तो लोगों के रिएक्शन मिक्स्ड रिएक्शन है। कोई कोई लोग सिंपैथी दिखा रहे हैं, कोई कोई मतलब ऐसे कर रहा है कि ओ यार गली बंद कर दी, इनके चक्कर में बंद हो गई, बाहर क्यों जाते हो, जाते हो तो मास्क ही क्यों नहीं पहनते, प्रिकॉशन क्यों नहीं लेते हो, क्यों बंद, मतलब इन लोगों, ये लोग फैला रहे हैं। अबे यार कोई जानबूझ के थोड़ी कर रहा है यार बीमारी, मुझे आओ लिपट जा बीमारी। इस सिचुएशन में उनके घर की जो मतलब सिचुएशन वो ऐसी है, देखो उनको थोड़ा उनका बुरा हाल है एक्चुअली। वो परेशान है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यार अब जो मैं मतलब आप लोगों को कहने वाला वो ये है कि देखो, किसी को नहीं पता कि आप बीमार हो, या किसी को नहीं पता चलेगा कि आप बीमार कब हो जाओगे। कोई मतलब अपने आप से बीमार तो होना चाहता नहीं है, कोरोना वाला सीन इतना ख़राब है कि भाई कोई चाहता तो है नहीं खुद से आए और बीमारी हमें लग जाए। सो उससे अच्छा है कि आप बाहर तभी मूव करो या बाहर तभी जाओ जो बहुत कंपल्सरी है। ऐसे बहुत अंकल जो जाते थे, उनकी भाई जॉब वाले आदमी हैं वो, देखो आदमी यार कमाएगा नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा, घर कैसे चलेगा, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। पर और जो जो लोग जॉब नहीं करते या फिर जैसे भी कोई कोई काम नहीं करते घर पे, तो यार घर पे ही रहो ना यार, क्यों जा रहे हो बाहर यार? अपनी सेफ्टी इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? घर वालों की हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? देखो यार सोचो, सैनिटाइज़ करते रहो हाथों को यार, टाइम टू टाइम घर को सैनिटाइज़ करते रहो, क्लीननेस बना के रखो यार, हाइजीन का पूरा पूरा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट यार घर से निकलो ही मत, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तब जाओ, नहीं तो मत जाओ। पूरा मैं इस वीडियो का एक जो है पॉजिटिव नेगेटिव वाली रिपोर्ट का पूरा डिटेल वीडियो आपको बना के दूंगा, बताऊंगा क्या हुआ था एक्चुअली। कि भाई रिपोर्ट उनकी मैं बता रहा था ना नेगेटिव थी, फिर बाद में पॉजिटिव निकली, तो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल वीडियो बना के दूंगा। और तब तक यार अपने अपने घर में रहो, सेफ रहो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, फैमिली वालों की हेल्थ का ख्याल रखो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ओके देन, बाय।